नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया था, आज हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइम आपको बताया गया था कि दिन में 12 बजे आपका टेस्ट होगा। तो आपके 12 बज चुके हैं और हमारा टेस्ट शुरू हो चुका है। सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि और आपके साथ वाले लोग आ जाएँ। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा पर आपका यूपी कैडेट वाला कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है, यूपी कैडेट का कोर्स शुरू हो करके और 70 से 80% उसका सिलेबस भी हो चुका है। तो आप लोग अगर यूपी कैडेट के सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर यूपी कैडेट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, यूपी कैडेट BHU ICR किसी की भी, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो देख करके उनका PDF भी बना सकते हैं। अब PDF से आप लोग उसके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बना लें। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टेस्ट शुरू करते हैं अब। और टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे आप लोग, प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ, 1857 की क्रांति, चंपारण आंदोलन 1917, और भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसे ही आपके जो है क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हाँ तो उन लोगों को बता दें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि आपको वैसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसी में से आपका पेपर बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग इसका आंसर देंगे। लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बतानी है, जो आपका इस वीक में कैसे क्या प्लान रहेगा वो आपको लास्ट तक बता दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आंसर देते रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी आना शुरू हो गया है, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर आपका, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं और उनका आंसर सही है, कुछ लोग गलत कर देते हैं। इसका आंसर आपका बी सही है। ठीक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में माना जाता है, ठीक है, या बोला जाता है। दूसरा आप लोग देखेंगे, भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? जो भारत में जमींदारी प्रथा चली उसकी शुरुआत किसने की, आप लोग देखेंगे और बताएंगे। इस पेपर में आपके 55 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 55 क्वेश्चन रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 मिनट का टाइम लगेगा और पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, पिछली बार हमने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन इस बार बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जल्दी जल्दी इसका आंसर देते रहेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जल्दी जल्दी इसका आंसर देते रहेंगे। ऑप्शन देख लेंगे, भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आ रहा है, आंसर देंगे। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दिया करिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका, कुछ एक दो लोग सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या सही है आपका? सी सही है। ठीक है, मतलब भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये पेपर 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो आप लोग इसको सही लगाएंगे और इस क्वेश्चन में आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मतलब इस पेपर में जो हमारा मॉडल पेपर चल रहा है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, GS और आपके जो हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और सॉइल साइंस, इस और क्या बचा आपका, इंजीनियरिंग, सबके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका आ रहा है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, आप लोग इसका आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे।
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मूल शंकर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, या ए और बी दोनों, मतलब मूल शंकर और दयानंद सरस्वती। चलिए आप इसका आंसर दीजिए, केवल इसका आपके लिए 15 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर आपको 30 सेकंड का एक क्वेश्चन के लिए समय मिल जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, इसमें क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए मूल शंकर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर कुछ लोग सही दे रहे हैं, ए और बी इसका दोनों होगा, ठीक है, मतलब मूल शंकर भी और दयानंद सरस्वती भी इसका आंसर हो जाए। अब 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, राज्यसभा का, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग देंगे, इन 3 में से ही आंसर है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं और आंसर उनका सही है। इनके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। जो आप लोग पता होगा, एक लोकसभा होता है, एक विधानसभा भी आपने सुना होगा, ऐसे ही एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा और जो विधानसभा होता है उनके कार्यकाल कितना होता है, जो सदस्य होते हैं उनका 5 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपका, 6 वर्ष होता है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वही आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीसोम का संबंध किस कोशिकांग से, अभी तक आपके जीएस के क्वेश्चन थे, अब आपके ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है, बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन इसमें होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ऑक्सीसोम का संबंध किस कोशिकांग से है। इस जो ये टेस्ट करा रहे हैं इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो आपके आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इसका आप लोग सही से आंसर देंगे, 30 सेकंड का केवल समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए आपको, और जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। वैसे वेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एग्जाम में जो आए हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीसोम का संबंध किस कोशिकांग से है, हरित लवक से है, माइटोकॉन्ड्रिया से है, परोक्सीसोम से है, ग्लाइकोसोम से है। तो इसका आप लोग आंसर देंगे 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑक्सीसोम का संबंध किससे है, आप लोगों को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि बॉटनी का आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है और जूलॉजी और जो कुछ बचा है उसके बारे में हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना लास्ट में देंगे, ठीक है। तो लास्ट तक आपको कभी भी मिल सकती है महत्वपूर्ण सूचना आपकी, इस जो सप्ताह में क्या रहेगा आपका प्लान। तो आप लोग ऐसे ही इसको देखते रहेंगे, आप लोग शेयर भी कर दीजिए जिससे कि और लोग इसमें आपके आपका टेस्ट देने आ सकें। चलिए, निम्न में किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में, या सभी। ऑप्शन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है, हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था। अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, या सभी में। यहाँ पे डीएनए आपसे पूछ रहा है किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, या सभी में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, केवल 5 सेकंड और बचे हैं आपके, 30 सेकंड का समय मिलता है ना आपको। अगली बार से ऐसा किया करेंगे कि यहाँ पे आपका टाइमर लगा दिया करेंगे, ठीक है, टाइमर 30 सेकंड का लगा दिया जाएगा। और तो इसका आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जो डीएनए होता है वो 3 में पाया जाता है, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, और केंद्रक, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, ठीक है। निम्न में कौन सा कोशिकांग तैलीय बीजों के अंकुरण के समय आवश्यक है, निम्न में कौन सा कोशिकांग तैलीय बीजों के अंकुरण के समय आवश्यक है, कौन सा है। इसमें आपको जो पराऑक्सीसोम, लाइसोसोम, ए एंड बी बोथ, या ग्लाइकोसोम, ठीक है, ग्लाइकोसोम, इसमें आंसर आप लोग दे, ठीक है। निम्न में कौन सा कोशिकांग तैलीय बीजों के अंकुरण के समय आवश्यक है, ठीक है, तैलीय अंकुरण के समय कौन सा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा विभाजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है इसमें कोशिका विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, या सभी। ऑप्शन इसका आप लोग आंसर दीजिए,
प्रोकैरियोटिक जब हमने सेल डिवीजन आपको पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा, इसमें 10 सेकंड आपके निकल चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ लोग आंसर देने लगे हैं, ठीक है। आप लोग अपना जो नेट है वो अपना रिफ्रेश करते रहिए, ठीक है, जिससे कि कुछ लोगों के आपके जो कमेंट हैं वो बाद में आ पाते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसमें आंसर कैसे देंगे, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, जैसे 9 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका अगर ए सही है तो 9 में का ए, ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है। और अब इसमें कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, इसका आंसर आपका सी सही है, ठीक है। असूत्री विभाजन होता है, ठीक है, असूत्री जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है, असूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। और पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, इसमें ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर सही से देंगे, 30 सेकंड का समय है केवल आपके पास। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना, या ए एंड बी बोथ। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, आपके पास अब केवल 15 सेकंड बचे हुए, टाइम आपका ओवर होने वाला है, आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। सभी लोग आंसर दे दीजिए इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन, या ए एंड बी बोथ। तो आप लोगों को बताया गया था इसका काम क्या क्या है, बाष्पोत्सर्जन भी होता है पत्तियों से और प्रकाश संश्लेषण भी करता है, तो ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जो लोग गलत कर देते हैं वो लोग आगे से गलत नहीं करने की कोशिश करेंगे, जो अगला टेस्ट आपका होगा उसमें आप लोग अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं वो आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये जो कराया जा रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे। गाजर, शलजम और चुकंदर तीनों हमने एक साथ लिख दिए, ये क्या जड़ हैं, तना हैं, बीज हैं या फल हैं? गाजर, शलजम तथा चुकंदर क्या हैं, जड़, तना, बीज या फल? सब लोगों को पता होगा, केवल 15 सेकंड का समय है आपके पास इसमें, और आपका टाइम जो है वो ओवर होने वाला है, आप लोग इसका आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। तो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जड़, ठीक है। आलू क्या है, आलू तना है, ठीक है, मतलब आलू वाला भी क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। अदरक है इसमें, अदरक क्या है, प्रकंद है, घनकंद है, तना है या जड़ है? जो है आपका अदरक, अदरक क्या है इसमें, प्रकंद, घनकंद, तना या जड़? आप लोग इसको सही से आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही से देंगे, इसमें कन्फ्यूज ना होना है आपको, इसमें आपको सही से बताना है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको नोट्स में लिखाया था, ठीक है। नोट्स जो आपने पढ़े हैं उसमें जो हमने आपको दिए थे नोट्स, उसमें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या था, प्रकंद, ठीक है, अदरक क्या है, प्रकंद है। 13 नंबर क्वेश्चन, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है, जो परिपक्व अंडाशय होता है वो क्या कहलाता है? 13 नंबर क्वेश्चन इसका, जो परिपक्व अंडाशय मतलब आपका मैच्योर ओवरी, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फल और आपका बीज, पुष्प या सभी? तो परिपक्व अंडाशय आपको बताया गया था ना फल कहलाता है, वही यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये सब आपको करा चुके हैं क्वेश्चन, वही आपके प्रैक्टिस कराई जा रही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, इसमें भी कवक का आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आप इसका आंसर देंगे, माइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी या माइकोलॉजी और वायरोलॉजी, इसमें और इसमें आपका थोड़ा बहुत अंतर है वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग आंसर बताइए इसका, माइक्रो मतलब माइकोलॉजी और माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी। तो इसका आंसर कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, इसका आंसर नंबर सी सही है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे स्लीपर जंतु के नाम से जाना जाता है, स्लीपर जंतु के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना या जोंक। स्लीपर जंतु के रूप में किसको जाना जाता है, स्लीपर जंतु के रूप में किसको, जो है स्लीपर जंतु के नाम के किससे जाना जाता है वो आप लोग इसमें बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे तो पैरामीशियम इसका आंसर सही होगा, ठीक है, पैरामीशियम। आप लोग अपने आंसर मिलाते रहेंगे, जिसका आंसर गलत जा रहा है वो लोग आगे से गलत करने की
कम गलत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्न में कौन सा जंत द्विलिंगी है, द्विलिंगी कौन सा है, यहाँ पे द्वि लिखा है, ठीक है, द्विलिंगी जंत कौन सा है इसमें से, टीनिया, एस्केरिस, मधुमक्खी या रेशम कीट। 16 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर निम्न में से कौन सा जंत द्विलिंगी है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। इनमें से कौन सा जंत द्विलिंगी है, 16 नंबर क्वेश्चन आंसर आपका। इसमें एक दो लोग सही दे रहे हैं, टीनिया इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही है। सर्वदाता रक्त वर्ग है, इसमें से सर्वदाता कौन सा है, ठीक है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है। 17 नंबर क्वेश्चन, ए बी, बी ओ या ए, ठीक है, सर्वदाता इसमें कौन है, ठीक है, एक होता है सर्वदाता, एक होता है आपका सर्वाग्राही, ठीक है, सर्वाग्राही। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, सर्वदाता, ठीक, सर्वदाता कौन सा है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर्वदाता और सर्वाग्राही में आप लोग अभी अंतर हम बताएंगे। सर्वदाता कौन सा होता है, तो ओ होता है, ठीक है, मतलब ये सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो इसका कौन दे सकता है, कौन से ग्रुप वाला, तो ओ ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो चाहे किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो या ए बी, दोनों हो, ठीक है। और सर्वाग्राही क्या होता है, ये सभी का ब्लड ले सकता है। ये कौन सा होता है, सर्वाग्राही ए बी होता है, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। जो सर्वाग्राही रक्त वर्ग होता है वो कौन सा होता है, तो ए बी, ठीक है, और सर्वदाता आपका ओ होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका अध्ययन क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, निमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन, 30 सेकंड केवल आपके पास हैं और आप लोग इसका आंसर दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तंत्रिका अध्ययन क्या कहलाता है, निमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपका टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। किसी का, कुछ लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है, कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर कुछ लोग दे रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं, अलिंद तथा निलय का संबंध किससे है, जो अलिंद और निलय होते हैं उसका संबंध किससे है, फेफड़ा से है या हृदय से है, किडनी से या लीवर से है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, अलिंद और निलय का संबंध किससे है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, अलिंद और निलय किस में पाए जाते हैं, किससे संबंध है, तो हृदय से है, ठीक है, आपको हृदय भी पढ़ाया नहीं गया है, तो जब पढ़ाया जाएंगे तब वहाँ पे बताया जाएगा अलिंद और निलय का कार्य क्या होता है, वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, कीटों का श्वसन अंग क्या है, जो कीट होते हैं इनका श्वसन अंग क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, और आपके पास केवल 20 सेकंड, ठीक है, 20 मिनट जो है, 20 सेकंड आपके पास इसका समय है। कीटों के अंदर जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, ट्रैकिया, नेफ्रिडिया, मेलपी की नलिका या सभी। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कीटों का श्वसन अंग क्या होता है। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है, कुछ लोग इसका आंसर गलत दे दिए हैं, और इसका कीटों का जो श्वसन अंग होता है वो आपका ट्रैकिया होता है, ठीक है, कीटों का श्वसन अंग जो होता है वो जो ट्रैकिया होता है, और ये सभी जो श्वसन अंग किसके हैं, आर्थ्रोपोडा संघ वाले के हैं, ठीक है। और क्रिकेट बॉल प्रजाति है, क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, आप लोग देख लेंगे, क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है। 21 नंबर क्वेश्चन, चीकू की, फालसा की, शरीफा की या इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, आप लोग नोट कर लेंगे, चीकू की वैरायटी है, ठीक है, क्रिकेट बॉल इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एक दो बार पूछी जा चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, तो चीकू की वैरायटी है। फालसा का कुल कौन सा है, जो फालसा होता है इसकी फैमिली बताइए आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर में पूछे जाते हैं, ठीक है, फालसा का फैमिली क्या है, ठीक है, फालसा की फैमिली क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, केवल 20 सेकंड का समय है आपके पास, ठीक है, एनोनेसी, लिलिएसी, टीलिएसी या इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, ठीक है, सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है, सभी लोग आंसर दिया करिए, आप लोग जुड़ जाते हैं लेकिन आंसर नहीं देते हैं, तो आप इसका आंसर दिया करिए, ठीक है, आप इसका आंसर देंगे, ठीक है, फालसा का कुल क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सी सही है, ठीक है, एक दो लोग इसका आंसर सी दिए थे, तो सी आपका ऑप्शन सही है। बेल में प्रवर्धन की विधि कौन सी है, जो बेल होता है इसमें प्रवर्धन की विधि कौन सी है, पेच बडिंग, गूटी,
स्टूलिंग या इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके लिए 50-50 इसमें भी कर दे रहे हैं, दो ऑप्शन आपको दिए हैं, ए और बी, इन्हीं में से आंसर है। अब आप लोग इसका आंसर बताइए, 20 सेकंड का समय है। बेल में प्रवर्धन की विधि क्या है? बेल में प्रवर्धन की विधि क्या है? पेच बडिंग, गूटी। चलिए इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं तो इसका आंसर आपका पेच बडिंग होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? पेच बडिंग। ठीक है, याद कर लेंगे। और लीची का उत्पत्ति स्थान क्या है? लीची का ओरिजिन प्लेस। ठीक है, आपके जो हॉर्टिकल्चर है इसमें आपका फ्रूट वाली जो आपके क्रॉप हैं वो रह गई हैं, और बाकी का आपका पूरा कोर्स उसमें ख़त्म हो गया है। ठीक है, और जो सॉइल साइंस है उसमें हमने आपका जो है एक थंबनेल थोड़ा गलत लगा दिया है, एग्रोनॉमी वाला लगा दिया था उस, लेकिन उसमें सॉइल साइंस पढ़ाई गई थी आपके पंकज सर ने, जो लास्ट की दो क्लास ली हैं आपकी, 15 और 16 नंबर जो क्लास थी उसमें आपको सॉइल साइंस पढ़ाया गया था। उसमें उर्वरक, बायो फर्टिलाइज़र जो होता है ना, बायो फर्टिलाइज़र मतलब जैव उर्वरक और न्यूट्रिएंट वगैरह, कौन से आपके न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब उसमें पढ़ाया गया था। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट कौन से हैं और सेकेंडरी एलिमेंट कौन से हैं, मतलब ज़्यादातर आपकी सॉइल साइंस भी ख़त्म हो गई है। सॉइल साइंस की एक आध क्लास आपकी बची है, वो आपको हम करा देंगे। ठीक है, हम कराएंगे इसी वीक में। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका PDF नहीं मिलेगा टेस्ट का, तो टेस्ट का PDF अभी नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, क्योंकि इसका एक रीज़न है, हम आपको जो PDF प्रोवाइड कराए हैं उसी में से सारा का सारा आपको यहाँ से टेस्ट पेपर मिल रहा है। ठीक है, ये आपका केवल प्रैक्टिस के लिए है, आपका जो जिसने साथ साथ नोट्स बनाए हैं और PDF डाउनलोड करके उसमें से नोट्स बनाए हैं और उसको याद किया है, तो वो बच्चे यहाँ पे अच्छा कोर्स अपना अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वो लोग यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और UP कैडेट में जाकर भी अच्छा स्कोर करेंगे, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा चीज़ है। ठीक है, उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। और आगे हम आपको बताएंगे कि आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें कैसा आपका ये प्रोग्राम रहेगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत लोग दे दिए हैं, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग दे दिए हैं। इसका आंसर क्या सही होगा? तो चीन सही होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का आंसर सही है। पूसा नन्ना किसकी प्रजाति है? पूसा नन्ना जो वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बता दिया करें जिससे हमें पता चल जाए कौन बच्चा कितना सही कर रहा है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, जब आपको क्रॉप पढ़ाई जाएगी उसमें बताया जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर सी सही है। ठीक है, पूसा नन्ना, कुछ लोग सही आंसर दे दिए। पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? इंपॉर्टेंट वैरायटी है पपीता की। ठीक है, निम्न में आम की गुठली रहित प्रजाति कौन सी है? आम की गुठली रहित प्रजाति कौन सी है इनमें से? रत्ना, आम्रपाली, अल्फांसो या सिंधु? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और आप लोग इसमें लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको ये टेस्ट पेपर ऐसा कैसा लग रहा है। ठीक है, मतलब जो हम टेस्ट पेपर आपको करा रहे हैं उसका रिव्यू भी आप लोग देंगे। ठीक है, कैसा आपको लगता है ये, आप कोई कमी तो नहीं रहती है इसमें, मतलब आप लोग इसमें और कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो आप लोग बता देंगे। ठीक है, आप लोग बता देंगे क्योंकि आपके लिए ही किया जा रहा है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, और आपको जो अगर इसमें कुछ सुधार और करवाना है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन रखे जाए करें, क्या टाइम रखा जाए करें, वो सब आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही किया जा रहा है ये सब कुछ, दिन में इसलिए रखा गया है क्योंकि दिन में सभी लोग आराम से अपना फ्री होते हैं। ठीक है, मतलब अभी दोपहर का समय है तो अभी सभी लोग फ्री होंगे, आराम से आप लोग आराम कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन अभी फ्री होंगे, तो मैंने इसीलिए सोच के आपका टाइम जो है अभी 12 बजे का कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है, आम की गुठली रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु है। 27 नंबर क्वेश्चन, माधुरी प्रजाति किस फसल की है? माधुरी जो वैरायटी है वो किस फसल की है? ऑप्शन देखेंगे, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार। ठीक है, माधुरी प्रजाति किस फसल की है? गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, इन तीन में से ही आपका आंसर है, तो इसका आंसर बताएंगे। केवल 10 सेकंड का समय मिलेगा, 27 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद आपके आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और आधे क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, आधे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आधे क्वेश्चन ही बचे हैं, तो जल्दी जल्दी से वो भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो माधुरी प्रजाति है वो किसकी है? मक्के की है। आगे बात करते हैं, गेहूँ के किस रोग को कैंसर के नाम से जाना जाता है? गेहूं के किस रोग को कैंसर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, गेहूं के किस रोग को
कैंसर के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर लगाएंगे, केवल 20 सेकंड का समय आपको मिलेगा। गेहूं के किस रोग को कैंसर के नाम से जाना जाता है? काली गेरुई, कंडुआ रोग, करनाल बंट और सेहू रोग। ठीक है, गेहूं के किस रोग को कैंसर के नाम से जाना जाता है? काली गेरुई, कंडुआ रोग, करनाल बंट या सेहू रोग। तो इसमें से आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। करनाल बंट जो रोग होता है गेहूं का, उसको हम कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जो धान में होता है, धान में कौन सा खरपतवार नाशी होता है वो प्रयोग किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन, जो धान होता है, धान में कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाता है? एट्राजिन, ब्यूटाग्लोर, पेंडीमेथिलीन या 2,4-D? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, धान में कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाता है? एट्राजिन, ब्यूटाग्लोर, पेंडीमेथिलीन या 2,4-D? 29 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे, और 10 सेकंड का केवल समय आपका बचा है इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग इसका आंसर देते रहिए, ठीक है, आंसर आप लोग इसका देते रहिए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कृषि पारिस्थितिक जो क्षेत्र होते हैं इनकी संख्या कितनी है? भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी कराया था, तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे, सभी लोग इसका आंसर देंगे। केवल 10 सेकंड के अंदर सभी लोग आंसर दीजिए इसका, सभी लोग इसका आंसर देंगे। भारत में कृषि पारिस्थितिक जो क्षेत्र होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? पिछले टेस्ट पेपर में ही हमने आपको बताया था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसके बाद आपके 25 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम आपको अभी जल्दी जल्दी कराए दे रहे हैं, और इसका आंसर कुछ लोग सही दे रहे हैं, 20 इसका आंसर सही है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, पौधों के जीवन की कुंजी किस तत्व को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सभी हम यहाँ पे आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आए हुए हैं, तो आप लोग इसका क्वेश्चन ये देखेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है, पौधों के जीवन की कुंजी किस पोषक तत्व को कहा जाता है? पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फॉस्फोरस। 31 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर सही से देंगे। ठीक है, पौधों के जीवन की कुंजी किस पोषक तत्व को कहा जाता है? तो इसका आंसर सभी लोग दीजिए, और ये पेपर ख़त्म होने के बाद आप लोग अपना रिव्यू जरूर देंगे। ठीक है, अगर जो लोग बाद में, मतलब ऑफलाइन देखेंगे वीडियो, अभी लाइव चल रही है तो लाइव नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये मॉडल पेपर जो कराए जा रहे हैं उसमें क्या कोई गलती लग रही है, मतलब क्या कोई कमी रह गई है, उसको हम आगे से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का रिव्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको बताएंगे, तो उसमें कुछ सुधार करेंगे। अगर आप लोग कुछ बताएंगे ही नहीं तो उसमें हम सुधार क्या करेंगे, इसीलिए आप लोग रिव्यू जरूर देंगे इसका। 31 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर एक दो लोग सही दे रहे हैं, फास्फोरस जो होता है इसको जो है जीवन की कुंजी कहा जाता है। और 32 नंबर क्वेश्चन, बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, और बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, आप सभी लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 3%। ठीक है, ये सब आपके जो हैं एग्रोनॉमी वाले सर करा चुके हैं। आगे बात करते हैं, ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत कितना पाया जाता है? ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत कितना पाया जाता है? ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, एक चैप्टर हमने आपको करा दिया था, और जो चैप्टर और बचे हैं वो भी आपके इस वीक में कराए जाएंगे। ठीक है, इस वीक में जो इसमें चैप्टर जो बच गए हैं वो आपके इंजीनियरिंग के चैप्टर इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, इस जो वीक ये चलेगा आपका, सप्ताह जो चलेगा, इसमें से आपका बहुत सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत पाया जाता है, ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत कितना पाया जाता है? ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत कितना पाया जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या सही है? तो बहुत लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, 2.3 से 4.3, या 2.2 से 4.3 भी आप लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन देख के इसका आंसर आप लोग लगा सकते थे। कुट्टी काटने वाली मशीन का गतपाल चक्र बना होता है, किसका बना होता है? केवल 20 सेकंड का समय है, आप लोग आंसर दीजिए।
कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र किसका बना होता है? मृदु इस्पात का, उच्च कार्बन इस्पात का, यहाँ पे उच्च लिखा है ठीक है, उच्च कार्बन इस्पात का, या पिटवा लोहे का या डलवा लोहे का। 34 नंबर क्वेश्चन और आंसर आप लोग बताएंगे, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र बना होता है, किसका बना होता है? ऑप्शन तो कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, आपका टाइम ओवर हो गया, ढलवा लोहा इसका आंसर सही है ठीक है, ढलवा लोहा इसका आंसर सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, यंत्रों का खिंचाव किससे मापते हैं? यंत्रों का खिंचाव मापा जाता है किससे मापा जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन, स्फेग्नोमैनोमीटर या डायनमोमीटर या हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा होगा क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा होगा, इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 जो आपका है यंत्रों का खिंचाव ऐसा ही कुछ चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। तो चलिए आपका टाइम ओवर हो गया और कुछ लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, डायनमोमीटर इसका आंसर होगा। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, गाय का मदकाल कितने दिन का होता है? गाय का मदकाल जो होता है वो कितने दिन का होता है? गाय का मदकाल होता है ठीक है, गाय का मद जो मदकाल होता है वो आप लोग आंसर देंगे इसमें से देखें। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर 21 दिन, 285 दिन, 12 से 14 घंटे या 14 दिन। चलिए टाइम आपका ओवर होने वाला है, आंसर दीजिए सभी लोग ठीक है, गाय का मदकाल कितने जो दिन का होता है या कितने घंटे का होता है वो आप लोग, चलिए इसका आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, आंसर नंबर इसका सी सही है ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है, गाय का मदकाल जो होता है 12 से 14 घंटे का होता है। भैंस की संकर नस्ल है, भैंस की संकर नस्ल है, इसकी आपकी क्लास एक कल आपको मिल जाएगी एनिमल हस्बेंड्री की ठीक है, और इस वीक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। अगले वीक में आपका क्या करेंगे, अगले वीक में आपका जो होगा वो टेस्ट होगा करेगा ठीक है, और जो आपका सिलेबस थोड़ा बच जाएगा वो भी उसमें करा दिया जाएगा। अगले जो वीक में आपकी क्लासेस चलेंगी उसका आपको संडे को बता दिया जाएगा कैसे क्या प्लान रहेगा ठीक है, और उससे पहले आप लोग ये बताएंगे, यहाँ पे सभी लोग थोड़ी देर 2 मिनट सुन लेंगे उसके बाद आगे चलते हैं ठीक है। जो अगले वीक आपका होगा, मतलब ये यहाँ पे आपको बात क्यों बता रहे हैं बीच में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम जब बोल देते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बाद में बताएंगे तो वो सीधे बाद में ही देख लेते हैं जाके ठीक है, तो आपको इसलिए बीच में बता दे रहे हैं, अब बाद में हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं बचाएंगे, बीच में हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं, आपका जो है सिलेबस, जो सिलेबस है आपका 60 से 70% सिलेबस अभी ख़त्म हो गया ठीक है, उसके बाद आपका ये वीक चल रहा है, ये वीक आपका आज आपकी कितनी तारीख है, 11 तारीख है ठीक है, और 11 से 18 तक, 18 को अगला संडे होगा ठीक है, अगला संडे जब होगा और उसके बाद मंडे होगा ठीक है, मंडे से आपकी क्या होगा, 3 दिन आपका टेस्ट रहा करेगा ठीक है, सप्ताह में 3 दिन आपका प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और जो 2 दिन बचे आपका 2 दिन कोर्स कराया जाएगा ठीक है, और 3 और 2 5 होगा, 1 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, और जो संडे होगा उसमें आपका मॉडल पेपर कराया जाएगा, जैसे मॉडल पेपर अभी होता है ना और प्रैक्टिस सेट, इन सब में आपका बाद में क्या अंतर होता है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, वो सब आपका अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा ठीक है, तो अगले सप्ताह से क्वेश्चन सीरीज वगैरह ये आपकी शुरू होगी, और अब इस सप्ताह में आपका पूरा कोर्स ख़त्म करा दिया जाएगा ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगा वो आपका साथ साथ चलता रहेगा ठीक है। और चलिए इसका आंसर, भैंस की संकर नस्ल कौन सी है, 37 नंबर क्वेश्चन, भैंस की संकर नस्ल कौन सी है, भैंस की संकर नस्ल कौन सी है, इसमें का आंसर आप लोग देंगे, बहुत सारे लोग इसका आंसर दे चुके हैं, मेहसाना इसका आंसर सही है ठीक है। और 38 नंबर क्वेश्चन, लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, लवणीय मृदा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है ठीक है, लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 38 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 8.5 से 10 होता है ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, ग्रेनाइट चट्टान सी बनी रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान से जो रूपांतरित हुई है चट्टान वो कौन सी है, ऑप्शन आप लोग देखेंगे और आंसर लगाएंगे ठीक है, ऑस्टियोर्ची, मार्बल, ग्रेनिस या बेसाल्ट, ऑप्शन आपने देख लिए, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जो ग्रेनाइट आपका ग्रेनाइट आपकी किससे रूपांतरित बनी है ठीक है, जो ग्रेनाइट चट्टान बनी है ना वो किसके किससे रूपांतरित हुई है वो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेनिस से ठीक है, ग्रेनाइट ग्रेनिस से।
40 नंबर क्वेश्चन, खनिज संतरण जो होता है मतलब खनिज संस्तर किसे कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर, खनिज संस्तर जो होता है वो किसे कहते हैं। इसके बाद आपके 15 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपके जल्दी जल्दी अभी ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ठीक है, और शेयर भी करते रहेंगे जिससे कि और लोग आपके साथ वाले आ सकें। खनिज संस्तर कैसे कहते हैं, तो सभी लोगों को पता है ए संस्तर को हम लोग खनिज संस्तर कहते हैं, ठीक है। कार्बनिक संस्तर किसे कहते हैं, कार्बनिक संस्तर आ रहा जो ओ संस्तर होता है उसको कार्बनिक संस्तर कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, नीला रंग किसका होता है, ZnSO4, CaSO4, FeSO4 और CuSO4, ठीक है। नीला रंग किसका होता है इनमें से, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, नीला रंग किसका होता है। चलिए, तीन आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से आपको बताना है कि नीला रंग इनमें से किसका होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे, नीला रंग किसका होता है इसमें से आप लोग बताइए, ठीक है, नीला रंग किसका होता है। तो चलिए आपको हम बता दे रहे हैं नीला रंग किसका होता है, तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा, CuSO4, ठीक है, नीला रंग इसका होता है। अल्फा कण का परमाणु क्रमांक होता है, अल्फा कण का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोग इसको बताएंगे, और ज़्यादा टाइम आपका नहीं मिलेगा इसमें, आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे इसका, केवल 10 सेकंड आपके बचे हुए हैं अब, और आप लोग आंसर इसका दीजिए, ठीक है, आंसर आप लोग इसका दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे, अल्फा कण का परमाणु क्रमांक कितना होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, चलिए आंसर आपके आ रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है, ठीक है, अल्फा कण का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, मैथिल बेंजीन का सूत्र क्या है, मैथिल बेंजीन का सूत्र क्या है। ये तीन ऑप्शन में से ही आपका आंसर है, आप लोग बताइए इसमें मैथिल बेंजीन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, C6H5, ये ऐसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है, C6H5 मतलब ये बराबर में नहीं लिखा है, ठीक है, और NH2, ठीक है, ऐसे आपके ये सभी लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसका आंसर देंगे, मैथिल बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैथिल बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5CH3, ठीक है, C6H5CH3 मैथिल बेंजीन का फॉर्मूला होता है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, मतलब जीवाश्मों की जो उम्र होती है वो किससे ज्ञात करते हैं हम लोग, C60 और C14, C12 या C28, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में किसका यूज करते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर, तो कुछ लोग इसका आंसर दे दिए हैं और सही दे रहे हैं, ठीक है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में क्या प्रयुक्त होता है, तो कार्बन 14, ठीक है, C14 का यूज हम करते हैं। आगे बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन की, 2 / और √2 का मान क्या होगा। 30 सेकंड का समय आपके लिए मिलेगा इसमें, और आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है, 30 सेकंड केवल आपको मिलेंगे, 30 सेकंड आपको मिलेंगे इसके लिए, और आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। 2 / √2 इसका मान क्या होगा, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे पढ़े होंगे, ठीक है, जिसने हमारे जो घातांक हमने पहला चैप्टर कराया है, और उधर हमने जो आपका बैच शुरू नहीं हुआ था उससे पहले आप चैनल पे देखेंगे, सिंपलीफिकेशन एक प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है, सिंपलीफिकेशन पहले से ही हमने आपका करा दिया था, ठीक है, पहला चैप्टर इसमें आप लोग देखेंगे सिंपलीफिकेशन, जब हमने हिस्ट्री और मैथ पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें हमने आपका सिंपलीफिकेशन कराया था, बहुत अच्छे से आपका पूरा सिंपलीफिकेशन हमने ख़त्म करा दिया था, 9-10 क्लास हुई थी उसकी, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, कुछ लोग तब से जुड़े हैं तो उन लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है, तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो वो लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक एक घंटे के लगभग की कुछ क्लासेस हैं उसमें, तो आप लोग देख लेंगे। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जैसे यहाँ पर मान लो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, अगर ऐसे ही यहाँ पे 3 लिख दिया जाए, यहाँ पे अगर 4 लिख दिया जाए, तो इसका मतलब सबका क्या होता है, जैसे अगर इसका मतलब पूछा जाए तो हम अंडर रूट हटा करके जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, √1, तो हम यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अपॉन में कर दो, 1/2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही यहाँ पे 2 लिखा है, जैसे यहाँ पे, एक मिनट रुको, ऐसे यहाँ पे अगर लिखा है 3, ठीक है, तो इसका आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट को हटाने के लिए आप लोग 3 की पावर
कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, दो होगा, वन अपॉन टू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रूट में लिखा है, यहाँ पे बाहर तीन लिख दिया है, यहाँ पे अंदर तीन लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग अगर अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, ये तीन है ना, जो ये वाला तीन, ये अपॉन में चला जाएगा, वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पे अंडर रूट में दो लिखा है और बाहर चार लिखा है, तो आप कैसे करेंगे इसको, अंडर रूट हटाएंगे तो दो और ऊपर में पावर इसकी कितनी हो जाएगी, वन अपॉन फोर। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे ही अब यहाँ पे करेंगे आप लोग। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए होंगे तो तुरंत इसका आंसर आप लोग दे देंगे, आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। ठीक है, आंसर कैसे ए होगा, आप लोगों को पता होगा अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू अगर हम लोग करेंगे तो कितना आता है, तो दो ही तो आता है ना, अंडर रूट दो गुड़े अंडर रूट दो, इसका आंसर दो आता है। अब ऐसे ही अगर आप लोग इसमें देखेंगे, इसमें अगर दो बट्टे अंडर रूट दो, यही तो आंसर है ना इसका, ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना, तो एक अंडर रूट दो से जब ये दो कटेगा तो क्या बचेगा, एक अंडर रूट दो ही तो बचेगा। अगर आप लोग ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक ट्रिक और है यहाँ से, ट्रिक क्या, एक बार एक सॉल्यूशन और है यहाँ से, दो, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, दो अपॉन में अंडर रूट दो। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे, रुको, जैसे दो अपॉन में अंडर रूट दो आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो की पावर एक, यहाँ पे क्या है, दो की पावर एक बट्टे दो। ठीक है, ये अभी हमने आपको समझाया ना, अब जब डिवाइड में दिया है और इसके अगर बेस बराबर हैं तो पावर क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, पावर क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, दो की पावर वन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, दो की पावर वन माइनस वन अपॉन टू, मतलब एक में से अगर आधा घटाओगे तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो की पावर आधा। ठीक है, मतलब दो की पावर एक बट्टे दो। अब दो की पावर एक बट्टे दो को हमने क्या बताया यहाँ पे, ये यहाँ पे दो की पावर एक बट्टे दो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे रूट दो लिखा था, तो दो की पावर एक बट्टे दो का मान क्या हो जाएगा, रूट टू। ठीक है, तो रूट टू आपका आंसर आ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसको। और आगे इसका ये 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को पता है वो लोग अपना करके और ऑप्शन देंगे, 30 सेकंड का केवल समय है। यहाँ पे 16 की पावर 3 बट्टे 4 आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 3 बट्टे में 4 है। अब इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 की पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं ना, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, और इसकी होल पावर कितनी है, 3 बट्टे 4। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट गया, आंसर क्या आया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दुनी 4 दुनी 8, 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और 47 नंबर क्वेश्चन बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग इसको कह सकते हैं, और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। अगर किसी की पावर 0 लगा दो, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 1000 की पावर 0, ठीक है, 1000 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 की पावर 0 लगा दिया तब भी इसका आंसर 1 होगा। अगर 2000 की पावर 1 लगा दिया, 2000 की पावर 0 लगा दिया तब भी इसका आंसर 1 होगा। अगर 256 की पावर 0 लगा दिया तब भी इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है log 100। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे, log 100 और यहाँ पे 10 बराबर, इसका मान आपको निकालना है, तो आप लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला केवल आप लोग याद करेंगे, एक फॉर्मूले से ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को आता है वो लोग यहाँ पे अपना लिख के दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना जो है सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, जिन लोगों को आ रहा है, केवल 30 सेकंड का समय है उन लोगों के लिए, वो लोग करके यहाँ पे अपना क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या है, जैसे यहाँ पे इसको मानो ए, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या पता है, एक फॉर्मूला होता है, जब अगर क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिया हो या क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्म में दिया हो तो आप इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये जो ए है ना, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये लास्ट में बराबर में x लिख दो तो ये c है। ठीक है, मतलब इसका मान पूछा है ना, तो मान हमने मान लिया x। अब इसमें आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a की पावर c इज इक्वल टू b। ठीक है, a की पावर c इज इक्वल टू b, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी है इसकी पावर क्या होगी, ये होगी a की पावर c, मतलब 100 की पावर x। ठीक है,
आप लोग देख पा रहे होंगे ना, 100 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया b, ठीक है, b है ना यहाँ पे, तो b क्या है 10, मतलब 100 की पावर x इज इक्वल टू 10, 100 की, ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे क्या बचा 100 की पावर x इज इक्वल टू 10, मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 100 की पावर x इज इक्वल टू 10, यही तो बचा ना, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा है, 10 आप लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 10 है ना, तो इसको भी हम लोग 10 बना लेंगे, जिससे कि हमारा बेस बराबर हो जाएगा, जिससे कि पावर भी बराबर हो जाएंगी। तो आप लोगों को पता है 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 100 की 10 की पावर 2 और ऊपर कितना है x इज इक्वल टू 10 की पावर क्या, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, जब कुछ नहीं है तो 10 की पावर 1 भी तो 10 होगा ना। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा, 10 की पावर 2x इसको लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो 10 की पावर 2x हो गया, यहाँ पे 10 की पावर 1 हो गया, अब आपके जो बेस हैं वो बराबर हो गए, तो पावर भी आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 1/2, तो पहला ही इसका आंसर सही है, x बराबर 1/2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो हम जब लॉग का चैप्टर अभी कराएंगे इसी वीक में, तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये ए मान लीजिए आप, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। अब आप लोग करेंगे कैसे करेंगे, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब ए की पावर 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ लिखिए जो यहाँ पे इसका बेस 2 आ जाए, ठीक है, ए की पावर 9 इज इक्वल टू 2, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं वो आप लोग करके बताइए, ठीक है। ए की पावर 9 नहीं होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर सी इज इक्वल टू भी बताया ना, तो सी कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ए की पावर 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ए की पावर 2 इज इक्वल टू 9। अब ये सॉल्व करिए आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे तो हम समझ जाएंगे आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, अगर सभी लोग इसका आंसर सही दे दिए तो हम समझ जाएंगे आप लोग इसको समझ चुके हैं। चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, तो इसमें कुछ नहीं है, आप लोग इसको कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी इसकी पावर भी 2 हो जाए, ऐसा क्या लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 2 होता है ना, 3 का स्क्वायर बराबर 9 और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जब इसकी पावर बराबर है तो बेस भी बराबर हो जाएंगे, तो a बराबर 3, तो a का मान कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है, ऑप्शन सीधा सीधा आपको मिल गया। चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं और जल्दी जल्दी अपना ये जो है 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। एक पिंड नियत वेग से गतिशील है, इसका त्वरण कितना होगा, कोई पिंड है वो नियत वेग से चल रहा है, मतलब न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, एक ही स्पीड पर चला जा रहा है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो उसी पर चल रहा है, तो उसका इसमें त्वरण पूछा है, त्वरण आप लोग बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, जब हमने आपको फिजिक्स में हमने ही बताया था शायद आपको, त्वरण वाला जो चैप्टर है वो हमने ही आपको बताया, तब हमने आपको बताया था जब दो सब अगर कोई बिल्कुल नियत चल रहा है, ठीक है, तो उसका त्वरण कितना होगा, त्वरण उसका 0 होगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संवेग का मात्रक क्या होता है, मात्रक वगैरह बहुत पूछ लिए जाते हैं तो वही आपके लिए इसमें ले आए हैं, संवेग का मात्रक क्या होता है, केवल 20 सेकंड का समय है, आप लोग इसका आंसर दीजिए, संवेग का मात्रक क्या है, संवेग का मात्रक क्या होता है, 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका आंसर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, दो बराबर बल पी और पी के बीच कोण अगर 60 है तो परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा ये टेन थीटा करके इसका होता है एक फॉर्मूला, ठीक है, एफ टेन थीटा, ठीक है, और उसमें इसका आंसर क्या आएगा, पी रूट 3 आएगा, ठीक है। ये अभी हमने आपको क्वेश्चन ऐसे कराया नहीं है, करा देंगे उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे समझा दिया जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का घनत्व पी है, द्रव्यमान एम है तथा आयतन बी हो तब, अब आप लोग इसको देखेंगे और लगाएंगे, 30 सेकंड का समय है, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग क्वेश्चन। अगर किसी पिंड का घनत्व पी है, द्रव्यमान एम है तथा आयतन बी हो तब, ठीक है, पी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन बी, पी इज इक्वल टू एम अपॉन बी, पी इज इक्वल टू एम बी, पी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। चलिए कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं, पी इज इक्वल टू एम अपॉन बी इसका आंसर सही है, ठीक है, पी इज इक्वल टू
एम अपॉन बी इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा। और 54 नंबर क्वेश्चन, अब केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, अब केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, एक अवकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। मतलब अवकेंद्र क्या होता है, कोई बल जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, वो अवकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, यहाँ से लगाओ सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ, और कोई बल जो है वो सेंटर के बाहर की तरफ लग रहा है, जैसे यहाँ से बाहर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, तो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आपसे पूछा है, तो कुछ लोग इसका आंसर दे भी रहे हैं, इसका आंसर क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, बी इसका आंसर सही है। 55 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर आज का क्वेश्चन है आपका, 1 HP का मान कितना होता है, मतलब 1 horsepower का मान कितना होता है, सभी लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और इसका आंसर क्या है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे देंगे, 30 सेकेंड का समय है, और सभी लोग इसका आंसर दीजिए, 1 HP का मान कितना होता है, तो 1 HP का मान 746 वाट होता है। ठीक है, आंसर आप लोग भी सही दे रहे हैं, 1 HP का मान कितना होता है, 746 वाट होता है। अब आप लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके, 55 में से आपके नंबर कितने, मतलब कितने क्वेश्चन सही है, वो आप लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, और आज का टेस्ट तो आपका यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ भी और सुधार इसमें करवाना है, टाइम वगैरह चेंज करवाना है, या फिर क्वेश्चन की संख्या कम ज़्यादा करवानी है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे की वीडियो वगैरह में, आगे के मॉडल पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आपके लेके आएंगे। ठीक है, वैसे अभी आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट पेपर आपके रखे हुए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बना रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ख़राब क्वेश्चन हो, मतलब जिसके आने के चांस ना हो, तो इसमें सब कुछ ऐसा ही आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, सभी लोग अपना कमेंट करेंगे, अपने क्वेश्चन बताएंगे कितने आपके सही हुए हैं, और आप लोग ऐसे ही आप लोग जुड़े रहेंगे, और अगर ये सब कुछ पसंद आ रहा होगा, वैसे कोई अगर जो लोग लास्ट में देख रहे हैं तो वो भी अपना कमेंट में आंसर इसका जो है कमेंट में ये बताएंगे कि आपको क्या सुधार इसमें और करवाना है, और कुछ भी सजेशन हो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और चलिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुड़े रहते हैं और लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक करने में पता नहीं क्या जाता है, जुड़े रहते हैं, लास्ट तक जुड़े रहते हैं, लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो चलिए उनका भी कुछ वो है, नहीं लाइक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे ही देखिए। और अगर आप लोग में से कोई लोग ऐसे हैं, अगर वीडियो उनको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।